आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी ए ए ट्रिपल सी के द्वारा यू जी एंड पी काउंसलिंग का शेड्यूल आउट कर दिया गया है यू जी काउंसलिंग जो है उसका फर्स्ट राउंड आउट हो चुका है जबकि पी जी काउंसलिंग के लिए ए ट्रिपल सी के द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल आउट कर दिया गया है सो so, जो हम सबसे पहले देखेंगे वो है कि इस बार का काउंसलिंग शेड्यूल है उसकी डिटेल्स वेबसाइट पर आ चुकी है जबकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन का जो डिटेल है वो अभी कुछ टाइम में आने की संभावना है तो इस बार का जो पी जी शेड्यूल है वो एन सी एस एम के द्वारा जारी कर दिया गया है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार का शेड्यूल आ गया है सबसे अच्छी बात जो इस बार देखने वाली है वो ये है कि सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों का ही शेड्यूल साथ में आ गया है और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टिव्स के द्वारा सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग इस बार पैरेलली ही जाएगी ऐसा नहीं होगा जैसा कि हर बार किया जाता है कि कुछ जो स्टेट्स हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो बहुत देर के बाद शुरू होती है जबकि सेंट्रल काउंसलिंग का थर्ड राउंड भी पूरा हो चुका होता है तो इस बार का जो शेड्यूल है उसके बारे में हम देख लेंगे तो सबसे पहले हम देख लें कि सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों का शेड्यूल एन के द्वारा वेबसाइट पर दे दिया गया है जिसमें कि सेंट्रल काउंसलिंग में ऑल इंडिया गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए सेंट्रल काउंसलिंग शुरू होगी जिससे के पैल में स्टेट काउंसलिंग की सीटों के लिए भी पैरेलल काउंसलिंग स्टेट्स में की जाएगी राउंड वन की बात करें तो राउंड वन के लिए 26 सितंबर से लेकर फिफ्थ अक्टूबर तक डेट्स कही गई हैं जिसमें कि फिफ्थ अक्टूबर विल बी द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट और थर्टींथ अक्टूबर विल बी द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेजेस जहां पर कि स्टेट काउंसलिंग के लिए छः अक्टूबर डेट कही गई है, है फॉर्म भरने के लिए और नाइनटेंथ अक्टूबर विल बी द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द रिज़ल्ट और सॉरी uh, जबकि नाइन्टीन अक्टूबर विल बी द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेजेस वहीं पर राउंड uh, टू में uh, जो नाइन्टीन अक्टूबर होगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होने का डेट होगा और ट्वेंटी सेवन्थ अक्टूबर तक वो काउंसलिंग चलेगी जिसमें कि सिक्स नवंबर विल बी द लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग इन द कॉलेजेस जबकि स्टेट काउंसलिंग में ट्वेंटी एट अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू होकर के नाइन नवंबर तक जाएगी और नाइन्थ नवंबर विल बी द लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग इन द कॉलेज राउंड थ्री में देखें तो सेंट्रल uh, काउंसलिंग जो है वो नौ नवंबर से शुरू होकर सिक्सटीन ऑफ नवंबर तक जाएगी जिसमें कि ट्वेंटी फोर्थ नवंबर विल बी द रिपोर्टिंग टाइम इन द कॉलेज और स्टेट काउंसलिंग सेवनटीन अक्टूबर से शुरू होकर थर्टी नवंबर तक जाएगी इसमें तीस नवंबर आपकी कॉलेज ज्वाइन करने की लास्ट डे होगी इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है कि जो लास्ट डे है स्टेट काउंसलिंग की ज्वाइनिंग का दैट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग इन द सेंट्रल काउंसलिंग तीनों ही राउंड में ऐसा ही किया गया है इसके बाद एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली है कि सिक्सटीन नवंबर विल बी द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन्स इन ए एस यू कॉलेजेस जिसका मतलब है कि एम डी एम एस आयुर्वेद के लिए सिक्सटीन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विल बी द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इसके बाद एन सी आई सीम ए ए ट्रिपल सी या कोई भी डी यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी एडमिशन नहीं करवा पाएगा एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज वैकेंसी राउंड इसमें क्या है कि जिसमें थर्ड राउंड में यदि आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो जो खाली सीट्स हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाएंगी जिसमें कि इंस्टीट्यूशन स्टेट या फिर डीम यूनिवर्सिटी है वो अपने लेवल पर काउंसलिंग कंडक्ट कर करवा के इन सीट्स को भरेंगी एक चीज़ जो इसमें आपको और देखनी है दैट इज़ कमेंसमेंट ऑफ पी क्लासेस जिसके लिए फर्स्ट दिसंबर जो कहा गया है तब से क्लासेस शुरू होंगी अभी ये प्रिलिमरी इन्फॉर्मेशन है जबकि ए ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर फर्स्ट राउंड ऑफ़ काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स आ गई हैं जिसमें कि 26 सितंबर जो है वो आपकी डेट कही गई है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होने की सेकेंड अक्टूबर विल बी द डेट जब आपको अपनी चॉइस लॉक करनी होगी लास्ट डे है सेकेंड अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी अक्टूबर जो है इसमें आपको रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा और 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आपको 8 दिन मिलेंगे जिसमें कि आपको अपने कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा इसी के साथ अगर सेकेंड राउंड की बात करें तो नाइनटीन अक्टूबर जैसे हमने बात की शुरू होगा जिसका रिजल्ट ट्वेंटी सेवन्थ अक्टूबर को पब्लिश होगा और ट्वेंटी एट अक्टूबर से लेकर छः नवंबर तक आपको दस दिन मिलेंगे आपको अपने इंस्टीट्यूशन में रिपोर्ट करने के लिए उसी के साथ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग नौ नवंबर से शुरू होकर के 16 नवंबर को उसका रिजल्ट पब्लिश होगा 17 से 24 तक आपको अपने इंस्टीट्यूशन को रिपोर्ट करने के लिए आठ दिन दिए जाएंगे इसके बाद उसी तरह से स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा और इंस्टीट्यूशन अपने लेवल पर काउंसलिंग कंडक्ट करवाएंगे इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको डेट्स अभी याद रखनी है वो है छब्बीस सितंबर पाँच अक्टूबर और छः से लेकर तेरह अक्टूबर तक जो कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अभी तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आउट नहीं हुआ है अभी तक पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस की जो फीस है स्टाइपेंड है या नंबर ऑफ़ सीट्स है उसका इन्फॉर्मेशन अभी आउट नहीं हुआ है तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट क्योंकि टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आउट हो चुका है तो अभी से हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि 26 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होकर के 5 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हमें इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट करना है तो अभी हमारा सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि हम किस हमारे मार्क्स कितने आए हैं ए आई में उसके बेस पर हमें कौन सी सीट पिछले ईयर के मुकाबले अलॉट हो सकती है तो उसके विषय में अभी थोड़ा हमें मंथन करना है और उस विषय में हमें यह भी सोचना है कि हम किस सीट लेने के लायक हैं और कौन सी हमें सीट मिल सकती है